कि मेरे 60 मार्क्स आए हैं वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है अगर मैं बोलूं कि सौ में से एवरेज 85 है क्लास के है ना एंड एवरेज जो डेटा का एग्रीगेट आपको बताता है सारे डेटा का एक एडिशन या फिर एवरेज आपको बताता है वो डेटा स्टैटिस्टिक्स तो स्टैटिस्टिक्स में लेटर से आप कहो कि आ, इस बंदे की सेविंग जो है हर महीने टेन बढ़ रही है अब उसका जो कॉज है वो सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि भाई क्योंकि जो है उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ दी तो अब वो सेव कर पा रहा है जब घर में गरीबी आ जाती है या किसी की नौकरी छूट जाती है मतलब घर में बुरी इकोनॉमिक सिचुएशन खराब होती है तो ये देखा गया कि लिपस्टिक के सेल्स जो है बढ़ गए थे जहां पर हम लोग शुरू करने वाले हैं मीनिंग स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स ये है हमारा रुद्र सेशन जहां पर हम इस पूरे फर्स्ट चैप्टर को वन शॉट में करने वाले हैं दिस इज अ वेरी इजी चैप्टर नाम बहुत बड़ा है अलग अलग नामों से जाना जाता है अलग अलग किताबों में बट बेसिकली इसमें हम इंट्रोडक्शन करते हैं इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट से स्टैटिस्टिक्स तो आपने क्लास टेंथ और नाइन्थ में भी पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में लेकिन यहाँ पर हम स्टैट्स को इकनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे

पढ़ा भी मैं पहली बार रही हूं क्लास इलेवन को इकोनॉमिक्स लेट्स स्टार्ट लेट्स स्टार्ट ठीक है चलो बाई स्टैटिस्टिक शुड बी इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई इकोनॉमिक्स होता क्या है जो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र एग्जिस्ट ही इसीलिए करता है क्योंकि हमारे जेब में पैसे लिमिटेड है जो संसाधन दुनिया में और देश में है वो लिमिटेड है और इन रिसोर्सिस के ऑल्टरनेटिव यूजेज है पर हमारी जो बॉन्स है जो हमारी इच्छाएं है वो अनलिमिटेड है हम चाहते हैं कि हम सब कुछ खरीद लें लेकिन जेब में पैसा कितना है सिर्फ हजार रुपये है ना

हर चीज डेटा आप सुबह उठे आप कितनी बार गए आपने कितनी बार खाना खाया वो सब डेटा है है ना आपको अपना दोस्त अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगता है आपके इतने फ्रेंड्स हैं वो सब डेटा है एवरी सिंगल थिंग डेट वी डूज फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इज डेटा बट डेटा जो है दो तरीके के होते हैं एक होता है आपका क्वालिटेटिव डेटा क्वालिटेटिव मतलब जो किसी चीज की क्वालिटी को मेजर करता है जिसको नंबर से हम मेजर नहीं कर सकते तो मुझसे कितना प्यार करता है बताओ ना यार कल तो दस के जी करती थी आज बारह के जी करती हूँ क्योंकि ये डायमंड रिंग तुमने मुझको दी रब यू कैन नॉट मेजर इट राइट इट्स 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 लव ऑनेस्टी फ्रेंडशिप ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सोसाइटी में लेकिन हम इसको मेजर नहीं कर पाते ये भी डेटा है ये क्वालिटेटिव डेटा में आता है फिर आता है आपका क्वांटिटेटिव डेटा क्वांटिटेटिव डेटा का मतलब होता है वो डेटा जो नंबर्स में आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हो है ना फॉर एग्जाम्पल आपकी हाइट कितनी है वेट कितना है पॉपुलेशन कितना है इनकम कितनी है इसको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स थाउजेंड वन लाख में आप एक्सप्रेस कर सकते हो उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल डेटा या क्वांटिटेटिव डेटा स्टैटिस्टिक्स क्वालिटेटिव डेटा से अपना मतलब नहीं रखता स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट क्वांटिफिकेशन ऑफ डेटा अगर आप किसी भी डेटा को क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर पा रहे हो तो स्टैटिस्टिक्स जो है उससे मतलब रखता है ठीक है क्लियर? लैटिन वर्ड स्टेटस से आता है इटालियन स्टैटिस्टा से आता है जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक्स से आता है इट इज डिफाइंड एज दी एनालिसिस इंटरप्रिटेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा

प्लूरली बस इसको ऐसे समझ लो पहले है ना इन प्लूरल फॉर्म स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स या न्यूमेरिकल डेटा जैसे हमारे देश की कितनी पॉपुलेशन है है ना हमारा कितना बजट है आपने आज कितनी सेविंग्स की ऑल ऑफ दैट कम्स इन स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस जो भी नंबर्स में आप स्टैटिस्टिक्स बोलते हो है ना डेटा बोलते हो नंबर्स के फॉर्म में अब यहाँ पर याद रखने की बात है सारे नंबर स्टैटिस्टिक्स नहीं होते फॉर अगर मैं मेरे जेब में सौ रुपए है इट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स अगर मैं गाय के चार है, चार पैर नंबर आ रहा है बट इट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स है है ना तो कब होता है, वो हम समझेंगे बट फॉर एनी डेटा टू बी स्टैटिस्टिक्स उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए उसको समझते हैं पहला स्टैटिस्टिक्स शुड बी एन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स एक एग्रीगेट होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि मेरे 50 मार्क्स आए हैं वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है अगर मैं बोलूं कि 100 में से एवरेज 85 है क्लास के है ना एन एवरेज जो डेटा का एग्रीगेट आपको बताता है सारे डेटा का एक एडिशन या फिर एवरेज आपको बताता है वो डेटा स्टैटिस्टिक्स है जो आप एक पर्पज से जो है कलेक्ट करते हो फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलो यार तू तो जो है दो बार बाथरूम गया मैं चार बार गया दिन में पर्पज क्या है इस डेटा को जो तुम तो बोल रहे हो पर्पस बिहाइंड कलेक्टिंग एनी काइंड ऑफ डेटा फॉर एग्जांपल यू वांट टू मेजर कि दिल्ली में कौन से जो है स्कूल्स में बहुत अच्छी परसेंटेज आती है उस बेसिस पे अगर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो दैट इज स्टैटिस्टिक्स डेटा जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेटा कि भाई वहां पर रख दो दैट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स ठीक है स्टैटिस्टिक शुड बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जो हम लोग ये पूरा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसका एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीका हो फॉर एग्जाम्पल जब इलेक्शन होते हैं तो आप डेटा देखते हो ना कि यार इलेक्शन में एक एक, एक, एक क्या बोलूँ एग्जिट पोल ये है कि इतना परसेंटेज लोगों ने बीजेपी को वोट किया इतना परसेंटेज लोगों ने सुरभि पार्टी को वोट किया है तो ये जो कलेक्शन ऑफ डेटा है ये ऐसा नहीं कि बस तीन चार घरों में पूछ लिया और आपने अपना डेटा बना लिया है ना स्टैटिस्टिक्स तभी साइंटिफिक होगा तभी लॉजिकल होगा जब एक प्रॉपर सैंपल साइज लिया जाता है सैंपल साइज वगैरह हम आगे पढ़ेंगे है ना स्टैटिस्टिक्स में एक प्रॉपर जो है सिस्टम और एक प्रॉपर मेथड और साइंटिफिक लॉजिक के थ्रू आप डेटा को कलेक्ट करते हो तभी वो स्टैटिस्टिक्स होता है स्टैटिस्टिक्स आर म्यूचुअलली रिलेटेड एंड कंपैरिबल फॉर एग्जांपल अगर आज आप बताना चाहते हो कि भाई पोटैटो और टोमेटो है ना इनका जो है कॉस्ट पिछले छह महीने में कितना बड़ा है क्या पुटेटो का टोमेटो से ज्यादा बड़ा है कितना बड़ा है और अब वो भी है है, है क्योंकि दोनों में ना तब आप जो हो, उसको आप स्टैटिस्टिक्स बोल सकते हो अब ये नहीं कह सकते कि यार बारिश इतनी इतने मिलीमीटर mm हुई थी आज के दिन और आलू जो है इतना प्रोड्यूस हुआ उसको उसका वो दोनों डेटा जो है आपस में कम्पेरेबल नहीं है तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है तो कंपेरेबल होना चाहिए और रिलेटेड होना चाहिए एक दूसरे से ठीक है फिर आता है रीजनेबल एक्यूरेसी स्टैटिस्टिक्स शुड बी रीजनेबली एक्यूरेट जब आप स्टैटिस्टिक्स लेट से हजार लोगों का कलेक्ट नहीं कर सकते तो हजार में से एटलीस्ट जो हो उसका जो फिफ्टी परसेंट या टेन परसेंट सौ लोगों का कलेक्ट करो सैंपल साइज तब वो एक्यूरेट होगा नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है उसका कि भाई एक uh, करोड़ों uh, जनता एक सौ पचास करोड़ जनता की पॉपुलेशन में आप दस लोगों का सैम्पल साइज ले रहे हो इट वोट बी एक्यूरेट तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है इट शुड हैव ऑफ़ जेस इसका क्या मतलब हुआ स्टैटिस्टिक्स में लेटर से आप कहो कि इस बंदे की सेविंग जो है हर महीने टेन परसेंट बढ़ रही है अब उसका जो कॉज है वो सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि भाई क्योंकि जो है उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ दी तो अब वो सेव कर पा रहा है मतलब हो सकता है वो मेजर रीजन हो मेजर कॉज हो बट और भी कॉजेज होते हैं कि उसकी इनकम थोड़ी सी बढ़ गई है है ना अब उसके जो खर्चे हैं वो कम हो गए क्योंकि इकोनॉमी में, में खर्चे कम हो गए हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज होते हैं तभी वो डेटा स्टैटिस्टिक होता है एंड उसका मेन रीजन ये है कि अगर कोई कॉज चला भी जाए है ना तो ड्रास्टिक चेंज इन द डेटा नहीं होना चाहिए समझ लो गर्लफ्रेंड वापस आ गई तो एकदम बेभयंकर चेंज नहीं होना चाहिए तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजे होता है तभी हम उसको बोलते हैं

तो उसको कैसे एनालाइज करते हो एंड फाइनली उस डेटा को कैसे इंटरप्रेट करते हो कैसे उसका एनालिसिस और कंक्लूजन निकालते हो ये पांच स्टेजेस ऑफ डेटा कलेक्शन इज द प्लूरल सॉरी सिंगुलर फॉर्म ऑफ सिंगुलर सेंस इन स्टैटिस्टिक्स ठीक है दैट इज योर एंटायर क्लास इलेवन की स्टैटिस्टिक्स की किताब अब हम आते हैं स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स पे क्या स्टैटिस्टिक्स साइंस है या आर्ट्स है बच्चों देखो ये साइंस इसीलिए है क्योंकि ऑब्वियसली यहां पर हम लॉजिक यूज कर रहे हैं मैथ्स यूज कर रहे हैं न्यू नंबर यूज कर रहे हैं अ साइंटिफिक एन सिस्टमैटिक वे तो भाई बहुत बढ़िया टेक्निकल सब्जेक्ट है ये साइंस है बट इट इज ऑल्सो एन आर्ट क्योंकि स्टैटिस्टिक्स नंबर जो है वो ऐसे यूनिवर्स के नहीं है वो फिजिक्स का कोई प्रॉब्लम सब नहीं है कि भाई सन अर्थ से कितना दूर है उसको एनालाइज कर रहे हो या साउंड वेव्स को एनालाइज कर रहे हो यू आर अल्टीमेटली एनालाइजिंग सोसाइटल प्रॉब्लम सोसाइटी की प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हो थ्रू नंबर्स अगर आप डिसाइड कर रहे हो कि आज मैं फैक्ट्री लगा रखी है मैंने कि मैं क्या प्रोड्यूस करूं कि मैं आ, फैंटा प्रोड्यूस करूं या कोक प्रोड्यूस करूं तो ये जो आप नम, आप फिर सोसाइटी से पूछोगे कि भाई फ्लेवर सोसाइटी को ज्यादा क्या पसंद आता है आपके पास एक नंबर आता है उसके बेसिस पे आप अपनी चॉइस करते हो तो ये जो ये चीजें जो आप सॉल्व कर रहे हो दीज आर सोसाइटल प्रॉब्लम एंड एन आर्ट अब सब्जेक्ट मैटर कैसा है स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट मैटर डिस्क्रिप्टिव है अगर आप बात करो कि भाई द मेथड्स दैट आर यूज्ड इन कलेक्शन प्रेजेंटेशन एज वेल एज एनालिसिस ऑफ डेटा यू कैन कॉल स्टैटिस्टिक्स एज अ डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट है ना इट इज़ यूज वेन यू एस्टिमेट एवरेज हाइट ऑफ सेकेंडरी स्टूडेंट्स इन योर स्कूल कि भाई हमारा जो एवरेज है वो फिफ्टी यू नो मार्क्स है हंड्रेड में से इट इज अ डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट बट इसको इंफेरेंशियल भी बोलते हैं क्योंकि अल्टीमेटली यू आर इट रेफर्स टू ऑल मेथड्स बाय विच कंक्लूजन आर ड्रॉन रिलेटिंग टू द यूनिवर्स और पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सैंपल तो अगर मैं बोलूँ कि यार मैंने देखा कि uh, सारे जो यू नो ज्यादातर मतलब इस क्लास uh, स्कूल में ज्यादातर लड़के जो है वो पी uh, लेते हैं दैट इज अक आई आई एम स्टैटिस्टिक्स इन अ डिस्क्रिप्टिव वे बट अगर मैं उसी डेटा के बेसिस पे इन्फेरेंस निकालूं, कंक्लूजन निकालूं कि ज़्यादातर बच्चे साइंस लेते हैं और यहाँ लड़कियाँ ज्यादातर ह्यूमैनिटीज लेती है तो कंक्लूजन बेस्ड ऑन द एंटायर डेटा इज कि लड़के जो है उनको सपोर्ट ज़्यादा मिलता है बिकॉज दे गो फॉर मतलब बिकॉज दैट इज़ वाई दे गो तो दिस सपोर्ट यू नो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द डेटा दैट आई गेट इज़ योर इन्फेरेंस इन्फेरेंस निकालना कंक्लूजन निकालना इन्फेरेंशियल सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स ठीक है अब यहाँ पर एक है इट रेफर्स द यूनिवर्स और ऑन द बेसिस ऑफ गिवन यूनिवर्स ब्रह्मांड नहीं है पूरा कि भाई पूरा ब्रह्मांड की पढ़ाई हो रही है अगर मैं पता करी हूं कर रही हूँ कि स्कूल के स्टूडेंट्स को जज कर रही हूँ स्टूडेंट्स को जो है मैं डेटा uh, ले रही हूँ तो स्टूडेंट्स मेरे लिए यूनिवर्स है ठीक है तो यूनिवर्स हुआ आपका सैम्पल जिसके ऊपर आप नंबर्स निकाल रहे हो ठीक है नाउ द नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स की कुछ भी है पहला लिमिटेशन की भाई ये सिर्फ क्वांटिटी को मेजर करता है क्वालिटी को नहीं अगर आप पता करना चाहते हो कि भाई देशभक्ति कितनी है है ना लोगों में या फिर फ्रेंडशिप कितनी है तो आप वो मेजर नहीं कर सकते अब ये बहुत बड़ी चीज़ है छोटी चीज़ नहीं है uh, एक एग्जांपल देती हो नॉर्मली हम बोलते हैं इकोनॉमिक थ्योरी में कि जब कुछ महंगा होता है तो लोग वो कम खरीदते हैं लेकिन जब शादी का माहौल होता है तो नो मैटर कितना महंगा सोना हो लोग खरीदेंगे क्योंकि इमोशन है उसमें है ना क्योंकि भाई शादी के टाइम खरीदा जाता है तो स्टैटिस्टिक्स उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि प्यार इमोशन इसको स्टैटिस्टिक्स मेजर नहीं कर पाता तो स्टैटिस्टिक्स का बड़ा लिमिटेशन है कि वो आपको सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ही बता सकता है क्वालिटेटिव वैल्यूज नहीं बता सकता दूसरा है इट इज ओनली स्टडी ऑफ एग्रीगेट

तीसरा है नो स्टडी ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा स्टैटिस्टिक्स में आप पोटेटो आलू और पोटेटो को ही कंपेयर कर सकते हो क्योंकि दोनों केजी में जो है वे किए जाते हैं हेट्रोजीनियस डेटा को स्टैटिस्टिक्स में आप कंपेयर नहीं कर पाते फॉर एग्जांपल यू कैन नॉट कंपेयर कि कितने आपने 10 मीटर क्लॉथ और 10 के जी को आप कंपेयर नहीं कर सकते ठीक है चौथा है रिजल्ट आर ट्रू ओनली एज एन एवरेज भाई एवरेज के बेसिस पे ही रिजल्ट्स किए जाते हैं और एवरेज के बेसिस पे ही स्टैटिस्टिक्स को समझा जाता है पांचवा विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में प्रूफ टू बी रॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक्स का अगर मैं आज आपको बोलू आ, कि देश में जो है 80% लोग इलिटरेट है पर आपको रेफरेंस पॉइंट ना दूं कि भाई ये ये डाटा कब लिया गया था ये डेटा कितने लोगों का लिया गया था इस डेटा के टाइम क्या यू नो हमारे पास सैम्पलिंग क्या मेथड था कलेक्शन ऑफ डेटा का आ, या फिर बाकी देशों का उस टाइम क्या इलेक्ट्रिसिटी इलेट्रिसिटी क्या पता बाकी देशों में भी फिफ्टी एट्टी परसेंट हो तो इतना बुरा नहीं है एट्टी परसेंट इलिटरेट लोग तो अगर आपके पास कोई रेफरेंस नहीं होगा तो रिजल्ट जो है उसका कंक्लूजन आप गलत निकालोगे आप कहोगे हाय 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 हाँ. बहुत लोग दैट इज जो है स्टैटिस्टिक्स को मिसयूज किया जाता है बहुत लोग ऐसी बातें करते हैं कि यार तुम्हें तो पता है इंडिया में अभी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 80 परसेंट सेवेंटी परसेंट चल रहा है बहुत बुरी हालत है इकोनॉमी की पर रेफरेंस क्या है व्हाट इज दी रेफरेंस आपने बोल तो दिया अन्प्लॉयमेंट इतना चल रहा है पर बाकी देशों में कैसा चल रहा है इकोनॉमी कैसी है बेरोजगारी किस टाइप की है रेफरेंस पॉइंट आपको चाहिए होता है तभी जो है नंबर्स मैटर करते हैं पर स्टैटिस्टिक्स में रेफरेंस नहीं होगा तो रिजल्ट जो है रॉन्ग होगा ठीक है, है, है जो जो आपको numbers, data, collection, methods देता है, ये एक ऐसा सिर्फ जिनको statistical tools आते हैं, वही इसको समझ सकते हैं ठीक है फिर भी हम स्टैटिस्टिक्स करते हैं है, बट फिर भी स्टैटिस्टिक्स हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ आर सोसाइटी क्यों पहला क्योंकि ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस करता है अगर मैं बोलूं बड़ी बेरोजगारी है तो आप बोलोगे कितनी बेरोजगारी है बड़ी क्या होता है ना किससे मतलब कुछ तो नंबर दो तो आपको बताएगा कि ठीक है यार तीस परसेंट जो है यहाँ के लोग जो है गरीब है सौ रुपए से कम कमाते हैं तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी जिसको हम यू नो इमोशन के बिना मतलब अगर हमें क्वान्टिटेटिवली समझना है तो हम समझ पाते हैं बिकॉज ऑफ स्टैटिस्टिक्स दूसरा है इट हेल्प इंटरसेक्टोरल इन एंड इंटर टेम्पोरल इंटरसेक्टोरल मतलब अगर आप जानना चाहते हो कि अर्बन एरिया और रूरल एरिया में कहां पर जो है ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो आपको हेल्प करता है अगर आप चाहते हो कि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसका कंपेयर करना चाहते हो अलग अलग सेक्टर्स को तो वो स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है इंटरटेपोरल मतलब विद कितना चेंज हुआ है दस साल पहले कितना हमारे यहां लिटरेसी रेट था दस साल बाद कितना लिटरेसी रेट है ये कंपैरिजन भी स्टैटिस्टिक्स जो नंबर्स में हमें बताता है अब अब मैं बोलूँ यार दस साल पहले बहुत था अब कम है ये बड़ा वेग है बट जब आपके पास नंबर्स होते हैं तो दैट इज वेरी वेरी इजी बिकॉज ऑफ स्टैटिस्टिक्स तीसरा है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स में जो नंबर्स के थ्रू ही हो सकता है फॉर एग्जांपल ये पाया गया कि जब बहुत ज्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप होती है जब घर में गरीबी आ जाती है या किसी की नौकरी छू जाती है मतलब घर में बुरी इकोनॉमिक सिचुएशन खराब होती है तो ये देखा गया कि लिपस्टिक के सेल्स जो है बढ़ गए थे इसको लिपस्टिक थ्योरी भी बोलते हैं आप कहोगे मैम लिपस्टिक के सेल्स क्यों बढ़ गए थे जब घर में गरीबी आ रही थी क्योंकि औरतों को लगता है कि ठीक है अच्छे कपड़े ना खरीदे अच्छा खाना ना खाए बट एक लिपस्टिक जो है हमें अच्छा फील कराएगा और बहुत महंगा भी नहीं होता तो ये नोटिस क्या हुए? ये हम लोग कॉज और इफेक्ट कैसे ला पाए बिकॉज हमारे पास नंबर थे टू प्रूव दी कॉज एंड इफेक्ट राइट तो दैट इज योर कॉज एंड इफेक्ट मतलब इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स हमें बताता है फोर्थ पॉलिसी फॉर्मेशन पॉलिसी फॉर्मेशन हो ही नहीं सकती विदाउट स्टैटिस्टिक्स अगर आज मैं मेट्रो सिटी में पॉलिसी फॉर्म करती हूँ कि भाई हम लोग मेट्रो बनाएंगे इतना पैसा इसमें खर्च करेंगे तो वो एक डेटा के बेसिस पे पॉलिसी बनाई जाती है कि भाई रोड पे बहुत ज्यादा कंजेशन हो रहा है इतने लोग जो है ट्रैफिक में फंस रहे इतना पैसा हमारा खर्च होता है लॉस होता है इसके वजह से मेट्रो जरूरी है या फिर अगर मैं पॉलिसी बनाऊं कि आज से जो है सर्व शिक्षा अभियान होगा जो भी चौदह साल के कम बच्चे उनको फ्री एजुकेशन मिलेगी इट इज ऑन द बेसिस ऑफ डेटा स्टैटिस्टिक्स राइट कितने बच्चे हमारे यहाँ इलिटरेट है इतने बच्चे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि जो है उनको इनके पास पैसा नहीं है स्कूल जाने के लिए ठीक है तो पॉलिसी फॉर्मेशन में स्टैटिस्टिक्स बहुत ज्यादा मदद करती है पांचवा कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक मॉडल ये जैसे इकोनॉमिक प्राइस थ्योरी है कि भाई महंगा होगा तो लोग कम खरीदेंगे सस्ता होगा तो लोग ज्यादा खरीदेंगे ये जो इकोनॉमिक मॉडल्स हैं ये किस बेसिस पे बने हैं डेटा और स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे बने हैं जिसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी आ, बहुत ज्यादा भी पढ़ने वाले हैं आगे की चैप्टर्स में ठीक है सिक्स इज इकोनॉमिक फोरकास्टिंग फोरकास्टिंग एक तरीके का प्रिडिक्शन होता है बट आई आई विल नॉट कॉल इट प्रिडिक्शन क्योंकि प्रिडिक्शन में थोड़ी अनसर्टेनिटी भी होती है इकोनॉमिक फोरकास्टिंग इज़ अभी जैसे इंडिया वो करता नहीं पार्लियामेंट में सरकार करती है कि अभी हमारे इकोनॉमी में इतना जी इतना प्रोडक्शन है, है ना इतना जो है हमारे इकोनॉमी तो प्रोडक्शन है तो अगले क्वार्टर में जी डी सिक्स परसेंट हो सकता है तो ये जो आप फोरकास्ट करते हो बेस्ड ऑन प्रेजेंट डेटा बेस्ड ऑन प्रेजेंट स्टैटिस्टिक्स, वो पॉसिबल है ओनली बिकॉज़ चैप्टर क्या ही लड्डू चैप्टर है आपका चलो बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे कॉमेंट सेक्शन में देना विच ऑफ नॉट ये वाला क्वेश्चन मैं करूंगी बाकी नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिस्टिक लिटरेसी रेट इन इंडिया 74 परसेंट तो भाई ये स्टैटिस्टिक्स से आपको लिटरेसी रेट बता रहा है एवरेज मंथली एक्सपेंसेस ऑफ योर फैमिली इज थ्री अब ये एवरेज बता रहा है आपको ये भी स्टैटिस्टिक्स है इन द लास्ट डेकेड इंडिया हैज वन सिक्सटी क्रिकेट टेस्ट मैचेस इन द लास्ट डेकेड आ गया यहाँ पर है ना आपको टेम्पोरल एक टाइम का बता रहा है कि इतने मैचेस जीत गई है इंडिया सिद्धू हैज हंड्रेड रुपी नोट इन हिज पॉकेट ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है Because it only is telling you one number. चलो अब आप दूसरा तीसरा क्वेश्चन करना एग्रीगेट ऑफ डेटा को क्या बोला जाता है रीजन स्टैटिस्टिक्स रेफर टू क्वान्टिटेटिव इंफॉर्मेशन केपेबल ऑफ सम मीनिंगफुल कंक्लूजन ठीक है ये दोनों क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना एंड डू लेट मी नो कैसे लग रहे हैं सेशंस क्या मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ थोड़ा सा फीडबैक हो तो वो भी दे देना दैट इज इट फॉर टुडे गाइस अगला सेशन चैनल पे आ जाएगा वेरी सुन डू नॉट फॉरगेट टू टू सब्सक्राइब द बाय